हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कर रहे थे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर हम एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ए प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र। तो क्या मतलब हुआ इसको कि ऐसा प्रोग्राम जो एंड यूज़र्स होते हैं, हम सब जो यूज़ करते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अलाउज एंड यूज़र टू एकम्प्लिश वन और मोर स्पेसिफिक टास्क, मतलब कि जो क्या करें, एंड यूज़र को अलाउ करें अपना कोई भी टास्क पूरा करने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, हमने पहले पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो मेनली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर ही यूज़ होते हैं, और किसी काम में यूज़ नहीं होते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो एंड यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं, एंड यूज़र उनके ऊपर वर्क करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे अब आप। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उनके 2 टाइप्स हैं बेटा। पहला टाइप है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम जनरली सभी कामों के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हैं, वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेजेस हो गए। और जो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो स्पेशल किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें स्पेशल पर्पस कहते हैं, जो सभी कामों के लिए यूज़ लेके जाते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ अकाउंट के काम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई कंपनी है वो क्या करेगी, अपना खुद का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनवाती है सॉफ्टवेयर कंपनी से, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल वाला जो सॉफ्टवेयर है, पेरोल हो गए, ये सारे के सारे किस में आते हैं, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो अब हम रीड करेंगे कुछ इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा इसका एग्जाम्पल है वो है वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड हो गया, जिस जो क्या होता है, कैपेबल होता है किसमें, किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के अंदर, प्रिंट करने के अंदर। अनलाइक द स्टैंडर्ड टाइपराइटर, यूजर यूजिंग वर्ड प्रोसेसर हैव द एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट एंड मेकिंग एनी चेंजेस एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट कैन आल्सो बी सेव फॉर मॉडिफिकेशन एट ए लेटर टाइम और टू बी ओपन ऑन एनी अदर कंप्यूटर यूजिंग द सेम वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर क्या है, मेरी एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको यूजर्स के लिए बनाया जाता है ताकि यूजर उसके ऊपर कुछ भी क्रिएट कर सकें, स्टोर कर सकें और उसको प्रिंट कर सकें और उसको सेव करके रख सकें उस डॉक्यूमेंट को, और कहीं पे भी किसी जगह पे भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं एनी वेयर एनी टाइम। और उस डॉक्यूमेंट को सेव करके मॉडिफाई करना चाहते हैं, कहीं और ले जाके किसी भी और सिस्टम पर ओपन करना चाहते हैं, तो हर जगह पर ये ओपन हो जाएगा। कुछ फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसर के, वो क्या हैं, जैसे कि इंसर्ट टेक्स्ट, हम इसके अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, पेज का साइज सेट करना हो, मार्जिन सेट करना हो, सर्च करना हो कुछ भी, उस सर्च करके रिप्लेस करना हो, और लास्ट में क्या है, प्रिंट करना हो कुछ भी, तो ये सारे के सारा काम जो है वर्ड प्रोसेसर के अंदर किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वर्ड प्रोसेसर के, सबसे पहला एग्जाम्पल तो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रो, एप्पल वर्क्स। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट डाटा फाइल मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स डेट आर यूज टू सॉर्ट डाटा एंड अलाउज ए यूजर टू मैनिपुलेट एंड अरेंज डाटा इजली, कॉमनली न्यूमेरिकली डाटा। व्हाट मेक्स ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मोस्ट यूनिक इज इट्स एबिलिटी टू कैलकुलेट वैल्यू यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड डाटा इन द सेल। अब देखिए, स्प्रेडशीट क्या होता है, एक्सेल की शीट को स्प्रेडशीट कहा जाता है। ये मेनली किसकी बनी होती है, रोज एंड कॉलम की बनी होती है। इसके अंदर हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं इजिली, न्यूमेरिकल काम करना हो वो कर सकते हैं। स्प्रेडशीट क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूलाज लगा के। तो स्प्रेडशीट भी मैथमेटिकल काम करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर डाटा के सेल्स होते हैं। कुछ फीचर्स हैं इसके, वो फीचर्स क्या हैं, देखिए सबसे पहले फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं काम को आसान करने के लिए। आप फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा, चाहे सम हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवाइड हो, एवरेज हो, कुछ भी निकालना हो। फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं उन फार्मूलाज के लिए।
चार्ट्स बनाए जाते हैं। चार्ट्स कहते हैं, मैथमेटिक्स में देखे होंगे आपने चार्ट्स, बार चार्ट, पाई चार्ट। तो आप किसी भी अपने मैथ के प्रोग्राम को, मैथ के वर्क को ग्राफिकल फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं तो आप चार्ट के रूप में कर सकते हैं। बाकी कट कॉपी पेस्ट इसके अंदर भी किया जा सकता है। और सेल की जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मीन्स कि उनकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। सेल्स अलग अलग सेल्स हैं उनको मर्ज करके एक बनाया जा सकता है। ये इसके फीचर्स हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखिए क्या है इसके। सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स, लोटस 123, एप्पल नंबर्स, ओपन ऑफिस, कैल्सी। ये सब इसके एग्जाम्पल थे। अगला है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट हैज क्रिएटेड स्लाइड शो डेट एड्रेसेज ए टॉपिक। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमें स्लाइड शो बनाने में हेल्प करता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आर ऑफन यूज इन बिजनेस एंड स्कूल फॉर डिस्कसिंग ए टॉपिक और फॉर टीचिंग। अब देखिए ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, ये तो बिजनेस के अंदर होता है, क्योंकि बिजनेस में उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शो करना हो, या टीचिंग में यूज़ होता है। टीचिंग में किसी टॉपिक के ऊपर हमें क्या बताना हो, कुछ भी समझाना हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इट टिपिकली इंक्लूड थ्री मेजर फंक्शन। इसके अंदर तीन मेजर फंक्शन होते हैं, एन एडिटर डेट अलाउज टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड एंड फॉर्मेटेड, एंड मेथड फॉर इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक इमेजेस, ए स्लाइड शो सिस्टम टू डिस्प्ले द कंटेंट। पहला है कि एक ऐसा एडिटर जो अलाउ करेगा टेक्स्ट को इंसर्ट करना और फॉर्मेट करने के लिए। दूसरा है कि मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, इमेज यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तीसरा क्या है कि इसमें स्लाइड शो सिस्टम जो है वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। अब कुछ फीचर्स हैं इसके, देखिए इंसर्ट स्लाइड, स्लाइड को इंसर्ट करना, डिलीट भी कर सकते हैं उसको, आप उसको कट भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं, किसी भी स्लाइड के कंटेंट को डुप्लीकेट करना है तो वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। अलाउ यू टू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन डिज़ाइन स्लाइड शो सिस्टम, आप व्यू स्लाइड फीचर के अंदर जाके ये भी लगा सकते हैं। और अलाउ एनिमेशन एंड साउंड, आप एनिमेशन और साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी PPT के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर जाके। अब एग्जाम्पल्स हैं इसके, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अडोब परफ्यूजन, हाइपर कार्ड, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, स्केला मल्टीमीडिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DBMS भी कहते हैं। कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम डेट कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा इन ए डाटाबेस। कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है कंट्रोल करके रखता है, कैसे कि उसकी जो स्टोरेज है उस डाटाबेस, पूरे के पूरे डाटाबेस को मैनेज करके रखना, वो किसका काम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें क्या होते हैं, यूज़र खुद की टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उनके ऊपर क्वेरी लगा सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं लास्ट के अंदर। अब टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर क्वेरी कैसे लगेगी, मतलब कि क्वेरी का मतलब होता है कि कुछ भी ढूंढना हो, सर्च करना हो तो ईजिली उसको सर्च कर सकेंगे। और इसके अंदर फॉर्म होगा कि यूज़र्स के लिए फॉर्म बना सकते हैं ताकि यूज़र्स उसके अंदर अपनी डाटा को फिल कर सके और लास्ट में रिपोर्ट भी जनरेट हो सकती है इसके अंदर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल डेटाबेस, MySQL एंड फॉक्स प्रो। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि लेक्चर पहले ही बहुत लंबा हो गया। अभी कुछ एग्जाम्पल्स और पड़े हैं हमारे, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आप इस सब को अच्छे से रीड करिए और बाद में जो रिविजन शीट होगी उसको आप अच्छे से नोट करिएगा और याद करिएगा। थैंक यू।